बातमी आहे खासदार आढळराव पाटील यांनी लोकसभेत कांदा समस्येवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची. सध्या राज्यभर शेतमालाला बाजारभाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची अक्षरशः वाताहत सुरू आहे. बाजारभावाच्या अभावामुळे शेतकरी ठिकठिकाणी आंदोलने करून सरकारचे या समस्येकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारने शेतीमालाला आधारभूत मूल्य देण्याचे शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं होतं, मात्र आतापर्यंत काहीच झालेलं नाही असा प्रश्न उपस्थित करत शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सरकारने त्या दृष्टीने पावलं उचलली पाहिजेत असे मत शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी लोकसभेत मांडले आहे. आणखी काय म्हणाले खासदार आढळराव पाटील पाहूयात. शिवाजी आढळराव पाटील. थँक्यू मॅडम. आदरणीय स्पीकर मॅडम, मैं महाराष्ट्र के किसानों के संबंधित एक गंभीर मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. पूरे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसान नियमित रूप से प्याज की खेती कर रहे हैं. वे उनकी सफल के लिए उन्हें मिलने वाले मूल्य पर पूरी तरह निर्भर है. पिछले कई महीनों में इन गरीब किसानों अपनी खेती किए गए निवेश का कुछ प्रतिशत भी नहीं मिल रहा है. किसान आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को अपना गुस्सा दिखाने के लिए अपने उत्पाद सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर है. ये सरकार द्वारा उचित विपणन और अन्य आवश्यक उपायों के कमी कारण हो रहे हैं. मैडम स्पीकर, ये अनुमान है कि एक किसान प्याज की खेती के लिए प्रति एकड़ लगभग 62,600 रुपया खर्चा करता है, जिसे लगभग 9,000 किलोग्राम प्याज का उत्पादन होता है, जबकि उसे 2 रुपया प्रति किलो की रकम अल्प राशि मिलती है, जो प्रति एकड़ 18,000 रुपया से अधिक नहीं होती है. यह बहुत बेहद अकल्पनीय है और किसानों के साथ बहुत अन्याय है. उसकी मेहनत पर पूरी तरह बेकार चली जाती है. उसके पास आय का दूसरा कोई स्रोत नहीं होता है. सरकार ने खेती में होने वाले उच्च व्यय ध्यान में रखते हुए प्याज की खेती के खरीद मूल्य को बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है. भारत सरकार के इस बात संबंध में कोई दीर्घकालीन नीति नहीं है, इसलिए सरकार को इन गरीब किसानों को तत्काल आधार पर सहायता करना चाहिए. मैडम स्पीकर, मैं आपके माध्यम से द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार किसानों की पीड़ा कम करने के लिए उचित और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए. इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल की खरीद के बाद जो प्रचलित दरों अधिक होनी चाहिए, अर्थात निजी क्षेत्र से मदद से कम 15 लाख टन प्याज की एक महीने के स्टॉक का बफर स्टोर. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया. जुन्नर येथील शिवनेरीचा बुलंद आवाज, आपला आवाज जगात कधीही कुठेही पाहण्यासाठी युट्यूबला आपला आवाज टाइप करून सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर.